हेलो दोस्तों, दक्षिण के स्वाद में एक बार फिर से स्वागत है। हाँ दोस्तों, आपने ये सब्जी अब तक खाई है कि नहीं? आज आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सी और झटपट बनने वाली सब्जी बताऊंगी। हाँ तो दोस्तों, आज हम वंकाय उल्लिकारम बनाएंगे। आज हम स्टफ्ड ब्रिंजल की सब्जी बना रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, इसमें ज्यादा मसालों की जरूरत नहीं रहती है और एकदम झटपट बन जाता है। अगर आपके पास बैगन हो तो बहुत जल्दी बना सकते हैं। ये मसाला जो मैं बता रही हूँ वो रहेगा तो आप हर सब्जी बना सकते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले हमें बैगन की सब्जी बनाने के लिए एक मीडियम साइज का प्याज चाहिए, आधा किलो छोटे बैगन चाहिए जो कि एकदम नरम हो और अच्छे, थोड़ा बीज कम हो, जिसमें कभी कभार एक आध बैगन में बीज आ जाएगा तो चल जाता है। आपको ये सब्जी कैसे लगी मुझे जरूर कमेंट करिएगा। ये हमारे घर में बनने वाली सब्जी है। मैंने एक कढ़ाई में पानी लेकर उसमें एक चम्मच हल्दी और नमक डाला है। हमें बैगन या एग प्लांट को जब भी काटते हैं तो हम इस तरह से नमक और हल्दी वाले पानी में कट करेंगे तो बैगन काले नहीं पड़ेंगे और उसका कसैलापन जो हल्का सा रहता है वो भी चला जाता है। कभी कभी ज़्यादा बीज के कारण आ जाता है और कभी कभी गर्मियों में हल्का सा कड़वापन रहता है, वो भी नहीं रहेगा। हम सभी बैगनों को फोर कट लगाएंगे क्योंकि हम आज साबुत बैगन की सब्जी बना रहे हैं इसलिए। और मैंने सिर्फ चार चीरा लगाया है, पीछे मैंने काटा कट नहीं किया है और मैंने उसका जो पीछे का डंठल रहता है उसे भी नहीं निकाला है। दोस्तों, हमने बैगन को इस तरह से फोर कट्स किए हैं तो बाकी को भी हम पूरे, ये आधा किलो बैगन है जिसे मैंने ऐसे काट के हल्दी के पानी में डाल के रखा है। मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है, इस आधा किलो सब्जी को हो जाए इतना, तो मैंने उसे एकदम बारीक काटा। जितना बारीक हो सके हम उतना बारीक काटेंगे तो सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए, मैंने एकदम बारीक काटा है। अब उसको हम एक प्लेट में ले लेंगे, उसमें अब हम मसाला मिलाएंगे। ये मसाला धनिया, जीरा और लाल मिर्च का मिक्स है जिसे हम लोग बना के रख लेते हैं महीना भर के लिए। तो वो ये है कि एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और डेढ़ चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हम तीनों को मिक्स कर लेते हैं नमक के साथ, स्वाद अनुसार नमक के साथ। और उसी में मैंने पाव टीस्पून मैंने हल्दी भी डाल लिया है। अब उन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक बार मैंने नमक बराबर है कि नहीं करके चेक के देख लिया है, नमक बराबर है। तो अब इसको हम अपने बैगन में स्टफ करेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से पूरे जो आधा किलो मैंने बैगन बनाए थे उन सबको स्टफ कर लिया है। बहुत ही अच्छा बनता है ये सब्जी, खाने में बहुत स्वादिष्ट रहता है और 10 मिनट में झटपट बन जाता है क्योंकि मसाला तो हमारे पास हमेशा तैयार रहता है। इसलिए जब ज़्यादा सब्जी बनाने का समय ना हो और झटपट बनाना हो तो ये सब्जी बन जाती है क्योंकि ये 10 मिनट में बनती है। और आंध्रा में बैगन बहुत ज़्यादा मिलता है। ये सब्जी रोटी के साथ भी अच्छी लगती है और चावल के साथ तो एकदम बहुत ही स्वादिष्ट रहती है। तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, बस दिखाने से बस आप बना लेंगे, तो इसलिए मैंने ये दिखाया है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, हमें ये डीप फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हमें स्टीयर फ्राई करना है। तो देखिए, और मैंने कढ़ाई में सबको अभी मैंने फ्लेम हाई में रखा है। जब हम सब्जी डालते हैं तब तेज आंच पे रखना चाहिए। लगभग 1-2 मिनट हम इसे थोड़ा फ्राई करेंगे तो पूरे सब्जी में ऑयल कोट हो जाएगा, वो जो उसका लेयर बन जाता है। उसके बाद हम इसको धीमे आंच पर कर लेंगे। तो लगभग मैंने 2 मिनट तक के उसको तेज आंच पर ही बनाया है। आपको कलर चेंज हो गया देखिए। तो उसके बाद हम उसके ऊपर एक प्लेट रख के उस प्लेट के ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमने सब्जी में कोई पानी नहीं डाला है, इसलिए थोड़ा सा भाप देने के लिए 5 मिनट हम इस तरह से रखेंगे। आंच को हम मीडियम ही रखेंगे ताकि सब्जी हमारी जल ना जाए। और देखिए, हमारा सब्जी में कितना पानी गया है थोड़ा सा। तो अब हम प्लेट निकाल के धीमे आंच पे भुनेंगे तो हमारी सब्जी, मैंने स्टफ बैगन को जब तेल में डाला है उसके बाद से हमारी ये सब्जी लगभग 10-15 मिनट में बन जाती है। तो देखिए, मैंने भाप का थाली निकाल दिया है और थोड़ा सा पानी है, तो इसलिए अब एक एक बैगन को हम ध्यान से और थोड़े से धीरे से पलटेंगे ताकि हमारे बैगन कहीं टूट ना जाए। हम सब्जी भरवा बैगन की बना रहे हैं इसलिए अगर हमें पीसेस में बनाना है तो हम खुद कट कर लेंगे ना। स्टफ्ड एग प्लांट करी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तो देखिए, जब हमारी सब्जी ऐसे तेल छोड़ दे तो इसका मतलब है हमारी सब्जी बन गई है। और देखिए, कितना एक भी बैगन कहीं भी टुकड़ा नहीं हुआ है, पूरे साबुत बने हैं पूरे। तो आप गिन सकते हैं कि मैंने कितने बैगन की सब्जी बनाई है। तो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। या तो आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं गर्मा गर्म, या गर्मा गर्म चावल के साथ आप कोई पप्पूस या कोई रसम बना के उसके साथ भी खा सकते हैं। तो मैंने इसके साथ रसम बनाया था, मैसूर रसम बनाया था, तो जिसका लिंक मैंने आपको दे दिया है। तो अब ये सब्जी है, मैं एक बार चेक के देख लेती हूँ कि नमक बराबर है कि नहीं। नमक एकदम बराबर है, तो आप इस सब्जी को बनाइए और इसका स्वाद लीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, हमारा वंकाय उल्लिकारम कोरा तैयार है।
आप इसको इसका आनंद लीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। नया चैनल है, आप सबके साथ की जरूरत है।